ये ध्यान सूत्र है, मेडिटेशन पोर्स लव ब्लिस एनर्जी एंड स्ट्रेंथ इनटू ऑल डायमेंशंस ऑफ योर लाइफ। ध्यान तुम्हारे जीवन के सभी आयामों में प्रेम, आनंद, ऊर्जा और शक्ति को उंडेलता है। प्रेम, आनंद, ऊर्जा और शक्ति जीवन के बहुत महत्वपूर्ण अवयव हैं, पार्ट हैं, कंपोनेंट हैं, और इन्हें जीवन के सभी आयामों में होना है, सारे डायमेंशंस में होना है, ऐसा नहीं कि किसी एक डायमेंशन में। अगर हम प्रेम की बात को ही देखें तो प्रेम शब्द का उपयोग जब व्यक्ति करता है तो उसमें एक संबंधगत उसके अंदर भावना उठती है, यानी प्रेम किसी के संबंध में उठता है, जबकि प्रेम एक सार्वभौमिक घटना है। प्रेम कहीं भी हो सकता है। प्रेम अतिशय संवेदनशीलता का नाम है। ध्यान हमारे अंदर उस तरह के प्रेम को जागृत करता है जो सब तरफ फैलता है, चाहे वो जड़ हो, चेतन हो, पूरे जगत, और वो प्रेम होता है संवेदनशीलता के रूप में। फिर वो क्रियाओं में हो, विचारों में हो, भावनाओं में हो, वहाँ भी वो प्रेम प्रकट होता है, और वहाँ प्रेम गहरी सजगता और गहरी संवेदनशीलता के साथ प्रकट होता है। फिर ये आनंद है, ऊर्जा है, शक्ति है, इसका भी इसी तरह से हर आयाम में होना जरूरी है। आनंद एक आंतरिक अवस्था है। आनंद का तात्पर्य ये नहीं होता कि कुछ करने में व्यक्ति को कुछ अगर सुख मिलता है तो उसको आनंद कहते हैं। आनंद एक अवस्था है जो करने और ना करने दोनों में शामिल है और दोनों के पार है। व्यक्ति शांत बैठा है तो भी आनंदित है, कुछ कर रहा है तो भी आनंदित है, क्योंकि वो किसी करने पर निर्भर नहीं है या न करने पर निर्भर नहीं है, ये उसके अंदर की अवस्था है जो ध्यान से जागृत होती है। और रही बात ऊर्जा और शक्ति की, तो वो होनी चाहिए हमारे जीवन के प्रत्येक आयाम में, हर डायमेंशन में, क्योंकि जहाँ भी ऊर्जा की कमी होगी, जहाँ भी शक्ति की कमी होगी, वहाँ जीवन उस तरह से विकसित नहीं हो पाएगा जिस तरह से उसको होना चाहिए। अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो उसमें ऊर्जा होनी ही चाहिए और उसमें एक स्ट्रेंथ, शक्ति भी होनी चाहिए। इसी तरह से अगर हमारे अंदर विचार भी उठ रहे हैं, हम किसी विचार के साथ काम कर रहे हैं, तो उस विचार में भी पर्याप्त ऊर्जा और पर्याप्त शक्ति होनी चाहिए, स्ट्रेंथ होनी चाहिए, तभी वो विचार फलीभूत होते हैं, विचार आगे ले जाते हैं। इसी तरह से जो भावनाएं हैं, अगर भावनाएं ऊर्जाहीन हों, शक्तिहीन हों, तो वो भावनाएं कुछ काम नहीं करती। भावनाएं कुछ करें, भावनाएं जीवन में कुछ सार्थक जोड़ें, इसके लिए ज़रूरी होता है कि भावनाओं में शक्ति हो, ऊर्जा हो। ध्यान इसी ऊर्जा और शक्ति को हर तरफ फैलाता है। इसलिए जब भी कोई साधक ध्यान में जाता है तो उसके अंदर, उसके जीवन के प्रत्येक आयाम में सारे गुण पोर किए जाने लगते हैं, उंडेले जाने लगते हैं। इनका आना ऐसा नहीं होता कि बहुत धीमे धीमे, ये बस एक बारिश की तरह उसके ऊपर बरसते हैं, और तब जीवन का हर आयाम खूबसूरत होता है। और वही ध्यान का लक्ष्य भी है। ध्यान का अगर हम लक्ष्य देखें कि क्या टारगेट है ध्यान का, हम ध्यान से क्या पाना चाहते हैं, तो ऐसा कोई कहे कि ध्यान से हम कुछ भी पाना नहीं चाहते हैं, तो ये बात उचित नहीं होगी। मनुष्य जीवन में जब भी चलता है तो कुछ चाहता है, और इसमें जो चाहना है वो सबसे अच्छी बात यही होगी कि हम जीवन के प्रत्येक आयाम में प्रेम, आनंद, ऊर्जा और शक्ति को चाहें, और ध्यान धीरे धीरे उसके सारे द्वार खोलता है।